खबरों के आगाज में खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाली समाजी तंजीम ल्यूमिनस यूथ एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत की खिदमत के लिए सिंध भर में काम कर रही है और सदर हादी बख्श ये कहते हैं कि अवामी खिदमत के कामों में भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है। खबर का मजीद अहवाल आप जान सकेंगे इस खसूसी रिपोर्ट में। गरीब इंसानियत की मदद करना इंसानी और दीनी फरीजा है। मौजूदा ग्लोबलाइजेशन के दौर में एनजीओस का किरदार अहमियत का हामिल हो चुका है। ऐसी ही अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम ल्यूमिनस यूथ एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सिंध भर में काम कर रही है। तंजीम के सदर हादी बख्श शेख का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की खिदमत के लिए मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लिया जा रहा है। हमारी तंजीम ने 9 जून को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें 200 अफराद को औरतें, बेवा औरतें, यतीम बच्चे और बूढ़े जो आदमी थे उन सबको राशन दिया गया। फिर 23 जून को हमने नीडी पीपल्स में हमने तकरीबन 150 से लेकर 160 तक उन बच्चों को ईदी भी दी, कपड़े भी दिए और हमने अपनी लायों की तरफ से उनकी खिदमत की। अब हम एक फिर 14 अगस्त हमने एक गवर्नमेंट के स्कूल में सेलिब्रेट किया। वहाँ पर जो बच्चे थे जो हमारे वो बच्चे जो अपनी तालीम नहीं पूरी कर सकते उनमें बैठ के उनको ये एहसास दिलाया गया कि हमारी एनजीओ हमारी लायों आपके साथ है। ल्यूमिनस यूथ एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ स्कूलों में भी 6 सितंबर के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी।